अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सोयाबीन के सीख कबाब। कहने को तो ये वेज कबाब है लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल नॉन वेज कबाब जैसा आता है। तो सोयाबीन के कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 कप सोया चंक्स लिए हैं और इसे मैंने एक बार अच्छे से वॉश कर लिया था, तो धोकर आप यूज़ किया करिए। उसके बाद इसमें आप पानी डाल दीजिए ज़रूरत के मुताबिक। यहाँ पर मैंने 3 कप और साथ में 1/2 कप पानी और ऐड किया है कि सोया चंक्स हमारे इसमें अच्छे से भीग जाएँ। उसके बाद इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और देखें घर के ही चम्मच से मैं सारी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी ताकि आपको आसानी रहे बनाने में। मिक्स कर लेंगे इसे और इसे रख देंगे हम गैस पर। इसमें एक उबाल आने देंगे, जब इसमें उबाल आ जाएगा तो गैस ऑफ कर देंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही पानी में पड़े रहने देंगे। 5 से 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि सोया चंक्स जो है वो अपने साइज़ में डबल हो जाएंगे, फूल कर सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ एक स्टेनर लिया है और इसका पानी जो है वो छान लिया है। अब इन सोया चंक्स को आप एक बार नॉर्मल पानी से धो लें ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। अब चाहें तो इसे ठंडा होने के लिए 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं छन्नी में। उसके बाद देखें इस तरीके से दबाकर आपने इसका सारा पानी निचोड़ लेना है। ध्यान रखिएगा इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, हमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं चाहिए कबाब में। तो ये देखें इस तरीके से आपने अच्छे से दबाकर सारा पानी निकाल लेना है। अब यहाँ मैंने एक छोटा मिक्सर जार लिया है। अब इन सोया बड़ी को हम पीस लेंगे बिल्कुल कीमे जैसा हमने इसे पीस लेना है, बिना कुछ ऐड करे, पानी वगैरह हमने कुछ ऐड नहीं करना। और ये देखें सोयाबीन का कीमा हमारा पिसकर तैयार है, बिल्कुल फाइन आपने पीसना है जैसे हम कीमा पीसते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल कीमे जैसी शक्ल का ये हो जाता है। और सोया बड़ी को हमने ऑलरेडी फुलाया होता है पानी में, सॉफ्ट हो गई होती है तो बहुत ही आसानी से ये पिस भी जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। चलिए अब इसमें बाकी चीज़ें मिलाते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, उसके बाद इसका सारा पानी निचोड़ कर अलग कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा आपने इसका सारा पानी निकाल लेना है प्याज का। फिर इसमें 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है और 4 से 5 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए छोड़ रही हूँ। अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, ये मेरा होममेड गरम मसाला है। इसी के साथ 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैं डाल रही हूँ, ये कम तीखी होती हैं। और अगर आप नॉर्मल मिर्च डाल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इसमें हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड करी है, तो आप अपने हिसाब से इसमें मिर्च डालिएगा। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, नमक ध्यान रखिएगा चाट मसाले में भी होता है और साथ में हमने सोयाबीन में भी स्टार्टिंग में डाला था तो थोड़ा सा ही डालिएगा। 1/4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन कबाब में बाइंडिंग के लिए यहाँ मैं कुछ ऐसा डाल रही हूँ जो कि सबके घर में अवेलेबल होता है, वो है ब्रेड क्रम्स। आपने बस नॉर्मली फ्रेश ब्रेड लेनी है और उसको या तो आप हाथ से इस तरीके से चूरा बना लें, थोड़ा दरदरा ही रखें, या फिर आप मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा पीस लें। आपने उसे कुछ गोल्डन ब्राउन वगैरह कुछ नहीं करना, फ्राई वगैरह कुछ नहीं करना। और अभी मैंने 1/2 कप यहाँ पर ब्रेड क्रम्स डाले हैं लेकिन मुझे थोड़ी ज़रूरत और लगी तो मैं यहाँ पर 1/2 कप और डाल रही हूँ। टोटल हमने 1 कप यहाँ पर ब्रेड क्रम्स डाले हैं और इसका टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच चाट मसाला और ऐड किया है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस इसके अलावा आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो कबाब हैं वो अच्छे से उसमें बाइंडिंग होगी और देखिए इसे आप अच्छे से मिक्स करें कीमे को ताकि उसमें थोड़ा लस आए और आपके जो कबाब हैं वो और ज़्यादा टेस्टी बने। तो ये देखिए अच्छे से आप मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसे हम रेस्ट पर छोड़ देंगे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए। तो इसे ढककर हम बाहर ही ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। तो यहाँ पर 1/2 घंटा हो गया है, कीमा हमारा रेडी है, तो चलिए अब कबाब बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सीख कबाब। सीख कबाब बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पेंसिल। आप पेंसिल की जगह यूज़ कर सकते हैं कोई पेन, लेकिन बिना स्क्यूअर्स के ये बहुत ही अच्छा तरीका है सीख कबाब बनाने का। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कीमा लिया है, उसका एक ओवल शेप दे दिया है, देखिए इस तरीके से। और हाथ में मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं लगाया है क्योंकि हमने बाइंडिंग अच्छे से करी है, तो कोई भी चीज़ हमने लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा। और देखें इस तरीके से आपने अब एक कबाब का शेप दे देना है इसे दबा कर। ये देखें बहुत ही आसानी से आप ढेर सारे सीख कबाब फटाफट से घर पर बना सकते हैं। सिर्फ एक पेंसिल चाहिए, आपको पेंसिल नहीं है तो आप कोई पेन का यूज़ कर सकते हैं और बहुत आसानी से देखें ये बन जाते हैं। मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी, ये तो पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। अब देखें ये हमारा कबाब तो तैयार है लेकिन इसे अब निकालना कैसे है। तो आपने देखिए ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथों से हल्का सा आप नीचे से इसे पकड़ें और ये देखें बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और अगर आपको ये तरीका टफ लग रहा है तो आप सिंपल गोल वाले कबाब बना लीजिए। तो दूसरा तरीका ये है कि आपने वापस से थोड़ा सा कीमा लेना है हाथ में,
अब आपने इसको राउंड कर लेना है और इसके ऊपर पेंसिल रख दें। अभी हम बीच से निकाल रहे थे, आपने बस इसके ऊपर से पेंसिल रखनी है और सारी साइड से इसे दबाकर कवर कर देना है और वापस से कबाब का शेप ले लेना है। देखें, अच्छे से इसे दबाइएगा सारी नीचे की एंड से भी, क्योंकि अगर फटने के चांसेस होते भी हैं तो वो ऊपर या फिर नीचे से ही होते हैं, तो आपने नीचे से और ऊपर से अच्छे से इसे लगा लेना है। ये देखें, सारी साइड से अच्छे से इसको मैंने दबाकर एक कबाब का शेप दे दिया है। बस अब इसे निकालने के लिए हमने बस हल्के हाथों से, देखें, इस तरीके से करना है और ये सारे ऐसे ही हम सीख कबाब बना लेंगे। तो देखें कितना आसान था सीख कबाब, बिना स्क्यूअर्स, बिना सीख के हमने इसे बना लिया है। तो यहाँ पर 1.5 कप सोया चंक्स मैंने यूज़ करे थे, इसके 8 कबाब हमारे बने हैं टोटल। अब इन्हें फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, तेल को गर्म कर लिया है। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल लो नहीं होना चाहिए, तेल गर्म होना चाहिए जब आप कबाब डालें। तो ये देखें, मैं आपको एक डालकर दिखाती हूँ, इस तरीके से बबल्स बनने चाहिए, इस तरीके का आपका तेल का टेम्परेचर होना चाहिए। और यहाँ पर मैं कबाब को बिल्कुल डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इतना तेल रखा है कि आधे कबाब जो हैं वो तेल में डूब गए हैं। ये देखें, आप चाहें तो कम ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्ज़ी हो आप इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। अब हमने सारी साइड्स में अच्छा कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। और ध्यान रखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें कलर आने में, फटाफट से ही फ्राई हो जाते हैं। तो आप इसे टर्न करते रहिएगा ताकि सारी साइड्स में इक्वल कलर आए और ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। देखें, लग रहे हैं ना बिल्कुल नॉनवेज कबाब जैसे, टेस्ट भी इसका बिल्कुल नॉनवेज कबाब जैसा आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप वेज कबाब खा रहे हैं। तो सारी साइड्स में अच्छा कलर आने तक मैंने इसे फ्राई कर लिया। अब मैं इसे निकाल लूँगी, मैं थोड़े थोड़े कर कर ही फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो 3-4 एक साथ डाल सकते हैं, 5-6 आप एक साथ डाल सकते हैं, ऐसे ही हम सारे कबाब को फ्राई कर लेंगे। ये कबाब टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और साथ में आपको नॉनवेज का टेस्ट भी देंगे। तो लीजिए, रेडी है हमारे सोयाबीन के सीख कबाब। लास्ट में मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ बटर और इसे आप रोटी के साथ एंजॉय कीजिए, नान पराठे के साथ आप खा सकते हैं। इन कबाब को आप रूखा भी खाएंगे सिंपल चटनी के साथ, तब भी आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। तो बनाकर ज़रूर देखिएगा ये सोयाबीन के सीख कबाब को और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।